नमस्कार। इतिहास अपने आप को दोहराता है, कई बार आपने इस बात को सुना होगा और आज लगता है फिर से इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। न्यूज़ है वाशिंगटन डीसी से, जहां पर नाटो का सम्मेलन चल रहा है और इस सम्मेलन में एक बहुत बड़ी बात हुई। बात यह है कि यूएस क्रूज मिसाइल जो है दोबारा से अब जर्मनी में डिप्लॉय किया जाएगा। बीबीसी न्यूज ने इसको कवर किया और कई सारे एजेंसीज ने इस पर बहुत सारे बड़े बड़े आर्टिकल लिखे हैं। यूएस क्रूज मिसाइल टू रिटर्न टू जर्मनी। शीत युद्ध के दौर में आपने सुना होगा कि जर्मनी में यूएस के मिसाइल थे, लेकिन बाद में उसको फिर हटा दिया गया। एक संधि हुई थी रसिया और अमेरिका के बीच, और उसके बाद धीरे धीरे जर्मनी से उन मिसाइलों को हटा दिया गया। वर्ष है 1988। 1988 के संधि के बाद वो हटाया गया और आज फिर से दोबारा जर्मनी में लंबी दूरी के क्रूज मिसाइलों को डिप्लॉय किया जा रहा है अमेरिका के द्वारा। वाजिब है, एंग्री में तो होंगे ही रूस, और व्लादिमीर पुतिन ने भी कड़ा वक्तव्य दिया। यहां पर न्यूज यह है कि लॉन्ग रेंज यूएस मिसाइल आर टू बी डिप्लॉयड ना, और ये एकाएक नहीं होगा, पीरियडिकली होगा, मतलब कि समय के साथ धीरे धीरे करके होगा, और ये बेसिकली 2026 तक होगा। ठीक है, याद रखेंगे, पहले थोड़ा किया जाएगा, बाद में थोड़ा किया जाएगा, और 2026 तक डिप्लॉय कर दिया जाएगा। और यह तब किया गया है ऐसा बात जब 75वीं वर्षगांठ मना रहा था नाटो इस साल, और इस सम्मेलन में जो वाशिंगटन डीसी में हो रहा, यानी कोल्ड वॉर की पुनरावृत्ति। यहां पर आप एक बात जरूर जानें कि जब कोल्ड वॉर चल रहा था, यानी शीत युद्ध जब चल रहा था, उस समय आप रूस को जानते थे यूएसएसआर के रूप में, यूएसएसआर, और इधर था यूएसए। पूरा विश्व लगभग दो गुटों में बंट चुका था, शक्ति के लिए संघर्ष चल रहा था और विचारधारा के बीच कई युद्ध तो था ही। और यहां पर आप क्या देखेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो शीत युद्ध शुरू हुआ 1945, और लगभग माना जाता है 1990 तक यूएसए और यूएसएसआर के बीच, तो आप क्या देखेंगे कि यूरोप जो है लगभग दो भागों में बंट चुका था। उस समय जो यूएसएसआर था, जो अभी रूस है उसका बड़ा उत्तराधिकारी, उस समय बहुत बड़ा था, उसका नाम यूएसएसआर, कई देश उसमें थे, कई यूरोप के देश भी उसमें थे। और कुल मिलाकर यदि कहा जाए तो 1961, मैं यदि एग्जैक्ट डेट पर आऊं तो 1961 में आकर के बर्लिन यानी कि जर्मनी के बीच में बीचों बीच एक दीवार बन गई, उसे कहा जाता है बर्लिन की दीवार। 1961 में 1961 में जर्मनी दो भागों में बट गया था। इस बात को आप ध्यान में रखें, शीत युद्ध की राजनीति के कारण वेस्ट बर्लिन और ईस्ट बर्लिन, यानी कहा जाए वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी। और यहां से लेकर के पूरा यूरोप, ईस्टर्न यूरोप, कहां तक, यूक्रेन तक, इस पर रशिया का कब्जा था। और इधर से इधर अमेरिका का प्रभाव। तो यानी जो वेस्ट जर्मनी मैं जो बता रहा हूं, यहां पर अमेरिका ने डिप्लॉय कर रखा था शीत युद्ध के काल में मिसाइल को। लेकिन 1989, जिस साल बर्लिन की दीवार टूट गई और दोनों साइड का जर्मनी मिलकर के जर्मनी का एकीकरण हुआ और शीत युद्ध का भी अंत 1990 में हो गया, उसके बाद पहली बार अमेरिका बोल रहा है कि हम दोबारा से जर्मनी में डिप्लॉय करेंगे। यहां पर मैं फिर दोबारा कहता हूं, 1988 की संधि में माना गया था कि इस एरिया में खासकर जो डिप्लॉय किया गया उसको हटा दिया जाएगा। वाजिब है, उस समय जर्मनी पूरा एक देश तो था नहीं, ये इसका एकीकरण। और जो जर्मनी आज आप देखते हैं वो 1989 के बाद हुआ है, बर्लिन की दीवार समाप्त होने के बाद। ये डिसीजन कहां पर लिया गया, वाशिंगटन में जो सम्मेलन चल रहा है नाटो का, जिसमें 32 देश हैं, उसमें यह लिया गया डिसीजन। यहां पर आप इस बात को जरूर ध्यान में रखें, इस बार जो सम्मेलन हो रहा है, जैसा कि मैंने आपसे कहा,
नाटो का जो सम्मेलन हो रहा है वह कहां हो रहा है? वाशिंगटन में, और यह 9 से लेकर 11 जुलाई के बीच में होगा। यहां पर आप यह भी जानते हैं कि 4 अप्रैल 1949 में नाटो की स्थापना हुई थी, उस समय इसके मेंबर कम थे, आज आप जानते हैं 32 मेंबर हो चुके हैं। यदि अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका में पहली बार जो नाटो का सम्मेलन हुआ था वो 1978 में हुआ था, वाशिंगटन में ही हुआ था यह, और यह नाटो का फोर्थ समिट था, चौथा। फिर 1999 में फिर वाशिंगटन में हुआ, यानी दूसरा। फिर 2012 में शिकागो में हुआ, तीसरा। और इस बार जो नाटो का सम्मेलन हो रहा है ये अमेरिका में नाटो का चौथा सम्मेलन है जो 2024 में हो रहा है, ठीक है, इसको आप ध्यान में रखें। यहां पर यह बात भी ध्यान रखें कि इस बार जो, अच्छा एक बात यहां पर यह भी ध्यान रखें कि स्वीडन के शामिल होने के बाद यह नाटो का पहला सम्मेलन है, स्वीडन 32वां मेंबर। और हाँ, यह भी माना जा रहा है कि जिन्स स्टोलनबर्ग जो नाटो के हेड है, शायद यह उनका अंतिम सम्मेलन भी हो, क्योंकि अध्यक्ष पद पर वह अब धीरे धीरे उनका समय समाप्त होता जा रहा है, उनका टेन्योर, और अब नए अध्यक्ष का अनाउंसमेंट होगा कुछ दिनों के बाद। जीन स्टोनबर्ग के बारे में भी आप दो लाइन जान लीजिए, वह यह है, पहला तो आप जान लीजिए कि नॉर्वे के बहुत जाने माने राजनीतिज्ञ हैं, ये नॉर्वे के लेबर पार्टी से संबंधित हैं, और यहाँ पर आप यह भी जाने कि यह नॉर्वे के 34वें प्रधानमंत्री के रूप में भी इन्होंने शपथ ग्रहण लिया था। हाँ, उस समय यह एक साल का था सिर्फ, 2000 से लेकर 2001 के बीच 34वें प्रधानमंत्री के रूप में नॉर्वे के ये बने, लेकिन उसके बाद 2005 से लेकर 2013 तक लगातार यह नॉर्वे के प्रधानमंत्री रहे। फिर 2014 में ध्यान रखें यह नाटो के चीफ बने, और 2024 चल रहा है वह नाटो के चीफ अब भी है, ठीक है, याद रखिएगा। और जैसा कि मैंने कहा ये उनका अंतिम कार्यकाल होगा। अच्छा, यहाँ पर नाटो के सम्मेलन में थोड़ा उस बात से अलग जो अमेरिका कर रहा है, जो क्रूज मिसाइल दे रहा है, उससे अलग एक थोड़ा सा लाइटर नोट्स में आप देख सकिएगा, बहुत सारे न्यूज ने इसको कवर किया है। जोर्जिया मेलोनी जो है, जो इटली के हेड हैं, और उनके बीच और बिडेन के बीच थोड़ी सी नोकझोंक हुई है नाटो के सम्मेलन में। माना जाता है कि चूंकि होस्ट अमेरिका है, वाशिंगटन डीसी में सम्मेलन चल रहा था, और बिडेन बहुत लेट पहुंचे, और जब बिडेन लेट पहुंचे तो ये सुर्खी बन गया कि जोर्जिया मेलोनी ने बिडेन की ओर रोलिंग आइस से, मतलब घूरते हुए आंखों से देखा अचंभा से, कि आपके यहाँ हो रहा है, इतने लोग आए हुए हैं और आप खुद लेट पहुंच रहे हैं, और यह आज के सारे अखबारों की सुर्खी बना हुआ है, ठीक है। चलिए, ये तो एक लाइटर नोट्स में था जो मैंने आपको बात किया। अब आते हैं अमेरिका क्या डिप्लॉय करने वाला है, जर्मनी को क्या तोहफा देने वाला है मिसाइल का, जरा उस पर देख लें। अमेरिका देगा टॉम हॉक क्रूज मिसाइल, इसको ध्यान ले, SM-6 मिसाइल यह भी देगा, और कुछ हाइपरसोनिक मिसाइल भी देगा, और यह जितने भी मिसाइलें होंगी ये सभी लॉन्ग रेंज मिसाइल होंगी, यानी जितने भी जर्मनी में मिसाइलें हैं उसके कंपेयर में ये जितने भी मिसाइलें हैं टॉम हॉक, SM-6 और हाइपरसोनिक मिसाइल सभी लॉन्ग रेंज मिसाइल होंगी। यह जो आप फिगर देख रहे हैं ये टॉम हॉक का फिगर है। टॉम हॉक एक लैंड अटैक मिसाइल है, और यह लॉन्ग रेंज मिसाइल है, यह सभी वेदर में काम कर सकता है, जेट पावर्ड है, यहां पर ध्यान रखेंगे, और यह सब सोनिक क्रूज मिसाइल है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, सब सोनिक क्रूज मिसाइल। अच्छा, इसको इस्तेमाल कौन करता है? यूएस नेवी इस्तेमाल करती है, या रॉयल नेवी सिर्फ, रॉयल नेवी का मतलब ब्रिटेन और यूएस नेवी, इसका मतलब यह जो क्रूज मिसाइल है इसमें कहने की कोई दो मत नहीं है कि यह मिसाइल जो यूज किया जाएगा वह शिप से किया जाएगा, बेसिकली ये एंटी शिप मिसाइल है, इसको भी आप ध्यान रखें, क्रूज मिसाइल तो है ही लेकिन ये एंटी शिप मिसाइल है, और इसको सब मेरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि यह शिप से ही लॉन्च किया जाता है, बाकायदा जो शिप आ रहा है उसको उड़ाने के लिए, या अदर कोई, यदि मान लेते हैं कोई पनडुब्बी से कोई मिसाइल छोड़ा गया है तो उसको भी उड़ाने के लिए इसकी कैपेसिटी है, यानी उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। दूसरा जो है इसको भी ध्यान रखें, SM-6 भी लगभग वही वेरिएंट है, यह भी एक शिप मिसाइल है, लेकिन यह शिप बोन मिसाइल जिसको मैंने कहा यह है, इसमें सबसे बड़ी खूबी क्या है कि यह डिफीट कर सकता है सबसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल को, मतलब यदि
सब सैनिक सब सोनिक एंटी क्रूज मिसाइल आ रहा है किसी शिप की ओर, या किसी शिप ने उसको डिटेक्ट कर लिया है, तो वह इसको खत्म कर सकता है। यानी इस मायने में कहा जाए तो यह एंटी मिसाइल भी है, खासकर एंटी सबसोनिक क्रूज मिसाइल, सबसोनिक एंटी शिप मिसाइल, इसको ध्यान में रखें। यहां पर एक बात और भी ध्यान रखें, यह जो M6 है, SM6, इसे कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं करेंगे। इसी को RIM-174 भी जाना जाता है, इसी को AIM-174 भी जाना जाता है नाम से, या इसको स्टैंडर्ड एक्सटेंडेड रेंज एक्टिविटी मिसाइल भी कहा जाता है, ERASM या स्टैंडर्ड मिसाइल 6, ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। और इसको भी जो यूज कर रहा है अभी US नेवी यूज कर रहा है, इसका यह फिगर है, आप देख सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा, ऐसे सारे मिसाइल बैन कर दिए गए थे, और यह बैन जो हुआ था 1988 में एक संधि हुई थी US और पूर्व सोवियत संघ के बीच में, इसके बाद जो पैक्ट हुआ, इसके बाद ऐसे मिसाइल का डिप्लॉय बंद कर दिया गया। लेकिन और 5 साल पहले, यानी कि इसकी अवधि तो समाप्त हो ही गई, लेकिन यहां पर एक बात आप ध्यान रखेंगे, वो यह है, जैसा कि मैं आपको बता देता हूं कि माना जाता है 5 साल पहले, यानी कि 2019 के आसपास, अमेरिका और रसिया दोनों ने अपने आप को इस संधि से अलग कर लिया, ठीक है। पहले अमेरिका ने किया, और फिर रसिया ने भी अपने आप को इस संधि से अलग कर दिया। यह जो संधि हुई थी, इसको कहा जाता था इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस, INF, फिर से मैं कह दूं, इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस। शीत युद्ध का अंतिम दौर में यह किया गया था। इसमें कहा गया था कि ऐसे मिसाइल का आप डिप्लॉय नहीं करेंगे जिसको, खासकर जिसका रेंज 500 से लेकर 5500 किलोमीटर के बीच में होगा, ठीक है, जो लैंड टू लैंड मिसाइल है। ऐसे किसी मिसाइल का आप डिप्लॉय नहीं करेंगे इन सब क्षेत्र में जिसका रेंज 500 से लेकर 5500 तक। लेकिन यह संधि के बाद धीरे धीरे अमेरिका ने कई आरोप लगाया रसिया पर, और लगाते लगाते एट लास्ट अमेरिका ने सबसे पहले 2019 में इस संधि से अपने आप को खींच लिया, और उसके बाद स्वाभाविक था रसिया ने भी इससे अपने आप को खींच लिया, अब संधि अस्तित्व में नहीं है। यहां पर एक दो बातें और भी जान लीजिए, वह यह है, नाटो के जो चल रहा है शिखर सम्मेलन, उसमें एक ज्वाइंट US जर्मनी स्टेटमेंट आया, जिसमें एक बात कही गई, बड़ा रोचक बात है, इसको जरा सुन ली। उसमें यह कहा गया, मैंने जैसे कहा कि पीरियडिकली तो होगा ही, समय के साथ साथ थोड़ा थोड़ा करके बोला जाएगा, लेकिन कुछ और बातें भी कही गई। उसमें यह कहा गया कि इनिशियली जो डिप्लॉय किया जाएगा मिसाइल, वो टेम्प्रोरी होगा, मतलब परमानेंट नहीं होगा, लेकिन लेटर उसको परमानेंट किया जा सकता है। यानी यह किसको सुनाना है, रसिया को सुनाने के लिए किया गया, या खुद अपने आप को कॉन्फिडेंस मिलाने के लिए किया गया। यहां पर कहा यह गया कि पहले जो डिप्लॉय होगा वो टेम्प्रोरी होगा, यानी वो हट सकता है, लेकिन यह परमानेंट हो सकता है। किस परिस्थिति में परमानेंट हो सकता है, जरा इसको समझिए। जर्मनी के जो डिफेंस मिनिस्टर है बोरिस प्रिटोरिस, वह कहते हैं कि बेसिकली नाटो और अमेरिका चाहता है कि जर्मनी और साथ साथ अन्य यूरोपीय देश लॉन्ग रेंज जो मिसाइल है उसमें इन्वेस्टमेंट करे और उसको बनाए, इसलिए हम लोग ऐसा सारा काम कर रहे हैं। चूंकि शुरुआत में जर्मनी ने कहा कि जो टेम्प्रोरी जो डिप्लॉय किया जाएगा उसका मेन मकसद यह रहेगा कि एक समय हम लोगों को मिल जाएगा कि हम लॉन्ग रेंज मिसाइल बना सकते हैं, और जब हम बना लेंगे तो शायद उस मिसाइल की आगे जरूरत ना पड़े। लेकिन जब हम विफल हो जाते हैं या लॉन्ग रेंज मिसाइल बनाने में देरी होती है, तो वो टेम्पोरी क्या हो जाएगा, परमानेंट हो जाएगा। यानी अमेरिका थोड़ा समय के लिए, हम लोगों को जो समय मिलेगा टेम्पोरी के दौर में, उस दौर में यूरोप और जर्मनी मिल करके कुछ ना कुछ बनाएंगे। और इसी से एक चीज और भी निकल के आया, वह है इल्सा, ELSA। माना जाता है कि जो जर्मनी के विदेश डिफेंस मिनिस्टर हैं, वे और साथ में फ्रांस, इटली और पोलैंड, यानी 4 देश ने मिल करके एक साइडलाइन, मतलब कि जो नाटो का सम्मेलन हो रहा था उसी सम्मेलन में थोड़ा सा अलग हट करके वाशिंगटन में ही
यूरोप में लंबी दूरी के मिसाइल के विकास के लिए एक प्रोग्राम को इनिशिएट किया और उस पर हस्ताक्षर भी कर दिया गया है, एमओयू पर साइन किया गया, और यह है यूरोपियन लॉन्ग रेंज स्ट्राइक अप्रोच, जिसको मैंने कहा इल्सा। यहां पर आप ध्यान रखेंगे इल्सा क्या है, तो यह यूरोप लॉन्ग रेंज स्ट्राइक मिसाइल है और यह चार देश है जर्मनी, फ्रांस, इटली और पोलैंड। अभी हाल में इस पर साइन हुआ है, माना जाता है 10 जुलाई के आसपास इसको साइन हुआ था। ठीक है, अब आगे आइए इसको भी जरा देख लेते हैं। यही बात यहां पर लिखी गई, सॉरी 11 जुलाई को हुआ था साइडलाइन, इसको साइन किया गया था वाशिंगटन सम्मेलन में और फ्रांस, जर्मनी, इटली और पोलैंड के बीच। ठीक है, आगे चलिए। आपने देखा कि मेन मुद्दा क्या था और आपने यह भी देखा कि किस ढंग से अब दोबारा से जर्मनी उसी दौर में जा रहा है, शीत युद्ध के दौर में। अब यह रसिया से उसकी या रसिया से यूरोप को मिल रहा भय है या नाटो का अब दूसरा रूप सामने में आ रहा है, यह तो समय बताएगा, लेकिन फिर भी यह न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।